क्या आप लोगों को पता है कि एक ऐसा गाना था जो कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक गाना था, यानी कि उस गाने को सुनने के बाद लोग आत्महत्या भी कर लिया करते थे, जिसे लोग भूतिया गाना भी कहते हैं। गैस गाने को 1933 में लॉन्च किया गया था, यानी कि 1933 में। गैस लॉन्च होने के कुछ समय बाद ही लोगों ने इस गाने को सुनने के बाद आत्महत्या करना शुरू कर दिया था। गैस कुछ दिनों में सुसाइड के 100 से ज्यादा केसेस आ गए थे। जिन लोगों ने भी इस गाने को सुना है वो लोग बताते हैं कि इस गाने में इतने ज्यादा इमोशंस और इतनी ज्यादा फीलिंग्स थी कि इसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े होने लगते थे। गैस गाने का नाम था ग्लोमी संडे, जिसे बनाया था रेजोसोरस ने। लेकिन गाना लॉन्च होने के कुछ समय बाद इस गाने को बिल्कुल बैन कर दिया गया। अगर आज आप इस गाने को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आपको इसका बिल्कुल नाम और निशान भी नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पे इस गाने के नाम पे बहुत से फेक गाने डले हुए हैं, लेकिन वो सारे के सारे फेक हैं। लेकिन अगर आपको रियल गाना भी मिल जाता तो मेरे भाई बिल्कुल भी मत सुनना, इसे सर्च करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस गाने को सुनने के बाद बिल्कुल आपका मूड चेंज ही हो जाता है। आपको विकिपीडिया जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट पे इस गाने के बारे में पता चल जाएगा। क्या आज से पहले आपको इस खतरनाक गाने के बारे में पता था? अगर नहीं पता था तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या आपने इस गाने को कभी भी सर्च करने की कोशिश की आज से पहले? अगर नहीं तो मेरे भाई इसके बाद तो बिल्कुल भी सर्च मत करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी किसी और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।